फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्राइड। आज की इस वीडियो का टॉपिक है बिगनिंग साउंड एंड एंडिंग साउंड। तो लेटर टी का हम बिगनिंग साउंड और एंडिंग साउंड देखेंगे, वर्ड्स में कैसे इसको यूज किया जाता है, और बिगनिंग साउंड को हम इनिशियल साउंड भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पिक्चर देख के आपको बताना है कि ये क्या है। ट ट टैप। तो टी का हमारा साउंड क्या होता है? तो स्टार्टिंग में बच्चों को जब भी फोनिक साउंड कराए जाते हैं तो उनको हर एक लेटर का साउंड पता होना चाहिए, ए टू जेड सारे फोनिक साउंड पता होने चाहिए। तो टी का साउंड होता है हमारा, ए का साउंड अ और पी का साउंड प, आ, प, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे जो भी इस वीडियो में हम वर्ड देखेंगे वो टी से रिलेटेड ही देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग में आ रहा है बिगनिंग साउंड, इसको बोला जा रहा है कि आपको पिक्चर दिखा के या फिर वर्ड दिखा के बच्चों को स्कूल में इस तरह से पूछा जाता है कि यहाँ पर आपका बिगनिंग साउंड क्या है, तो आपको यहाँ पर क्या बताना है। तब अगर ओरल पूछा जा रहा है, अगर रिटेन में आपका वर्कशीट दी जाती है आपको करने के लिए या एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको फिलिंदा ब्लैंक्स की फॉर्म में ये दिया जाएगा और पिक्चर्स दिखा के आपको कहा जाएगा कि इसका आप बिगनिंग साउंड लिखिए या फिर इसका इनिशियल साउंड लिखिए। तो इमेज देख के ही आपको पता चलेगा कि हमें यहाँ पर क्या लिखना है, टब। अब यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर है हमारी टब की, टब। इस तरह से ही आपको बच्चों को स्टार्टिंग में सिखाना है, टब टब टब। तो यहाँ पर टी हमारा क्या हो गया, इनिशियल साउंड हो गया। अब नेक्स्ट पिक्चर आती है हमारी ये टू, ठीक है। तो टी से स्टार्ट हो रहा है ये, तो फिलिंदा ब्लैंक्स में आप बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं, वर्कशीट इस तरह से बना सकते हैं। इमेज बना के दीजिए, टू लिख के दीजिए और उनको डब्ल्यू ओ लिख के दीजिए, उससे पहले फिलिंदा ब्लैंक बना दीजिए। तो वहां पर उनको रेकोनाइज करना है कि क्या आएगा। जैसे अभी सिर्फ हम एक लेटर पढ़ रहे हैं, आगे चल के और लेटर्स पढ़ते हैं, ए बी सी डी। जैसे बी से हम कोई वर्ड पढ़ रहे हैं तो उसका इनिशियल साउंड क्या है, ब। तो इस तरह से ही अभी इस वीडियो में जैसे हम टी का कर रहे हैं तो उनको ये रेकोनाइज करना चाहिए, आना चाहिए बच्चों को। एक बार में एक लेटर को ही अच्छे से एक दिन उनको पूरा दीजिए समझाने के लिए, ऐसा नहीं सारे एक साथ मिक्सअप नहीं करने हैं। एक दिन में एक लेटर ही, यूकेजी से बच्चों को जनरली ये स्टार्ट कर दिया जाता है टॉपिक। टेन, तो टेन भी हमारा किससे स्टार्ट होता है, टी। टेन टाई, तो ये भी हमारा टी से स्टार्ट हो रहा है, टाइगर। टाइगर, पूरी स्पेलिंग अभी स्टार्टिंग में, जैसे बच्चे अगर छोटे हैं एलकेजी के यूकेजी के बच्चे हैं तो उनको इतने अच्छे से पूरी स्पेलिंग लर्न नहीं होती, सिर्फ एक लेटर ही उनको आप लिखने के लिए दीजिए स्टार्टिंग में। अब ये हमारा एंडिंग साउंड आ गया है टी का। इसमें आप देखेंगे जो भी हमारे पास वर्ड होंगे उसमें लास्ट में आपका लेटर टी आएगा और उसमें साउंड क्या होगा, ट। कैट, कैट, तो टी का साउंड आ रहा है हमारा यहाँ पर। बैट, बैट। हैट, तो लास्ट में क्या है, टी का साउंड आ रहा है, ह अ ट हैट। यहाँ पर F आएगा, F A T, H की जगह यहाँ पर F आएगा। Fat, pot, इसमें भी हमारा ending sound क्या है, T, T। Nut, N A T, nut। Mat, M A T, mat। तो अलग अलग सारे लेटर्स के फोनिक साउंड जरूर पता होना चाहिए बच्चों को, बहुत आसानी रहती है फिर समझने में। जब भी हम दो से ज्यादा लेटर, जैसे थ्री लेटर का हमने कोई वर्ड बनाया, फोर लेटर का, तो उनको साउंड पता रहते हैं, तो अच्छे से उनको ज्वाइन करके वो उस पूरे वर्ड को बोल पाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।